जिहड़ी अज इस देश की राजनीति में आम प्रचलित है कि कल दा अज कल युग है। आम कहा जाता कि अज झूठ का बोलबाला है, अज पैसे का बोलबाला है, अज बहुबली राजनीति का बोलबाला है। परंतु आ जिहड़ा इकट्ठ जिहड़ा सी पंजाब के सारे कोनिया चो आया, तुसी आज एक गल बहुत वड्डी साबित कीती आ कि अज दे युग विच भी सच्चाई का बहुत मुल है भराओ, सच्चाई का बहुत मुल है, काम का मुल है, जुरत ते गैरत दे नाल खड़े होण वाले लोगों का मुल है। ये गल तुसी अज साबित कीती है भराओ। सब तो पहला मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना चाहना वा। मैं जदों आया मैं इस करके स्टेज तो मत्था टेकिया सीगा, मैं उस परमात्मा वाहिगुरु का शुक्रिया अदा किया। ते फिर आ जिहड़े तुसी हजारां की तादाद विच एडा वड्डा इकट्ठ लामिसाल एडी इस तरह की इन्नी गर्मी दे विच तुसी जिहड़ा इकट्ठ किया, मैं तुहाडा धन्नवाद करन लई मत्था टेकिया सीगा। मैं उस वाहिगुरु नूं मत्था टेकिया ते इस इकट्ठ विच अखीर विच खड़े हर वॉलंटियर नूं मैं मत्था टेकिया सीगा। मैनूं आस आ कि मेरा मत्था तुहानूं प्रवान होवेगा। और मैं तुहानूं कहना चाहुंदा वां, मेरे वर्गे लोग भराओ हजारां होणगे खैरे इत्थे हजारां, मेरे नालों ज्यादा पढ़े लिखे लोग होणगे, मेरे नालों ज्यादा अकलमंद लोग हो सकते ने, परंतु जिहड़ा अज तुसीं इह मेरा साथ दित्ता वा इह तुसीं कार्यशैली काम ते जनता की अमदाद का ते लोगों के मुद्दे उठाउण दा ते विधानसभा विच आम गुरबिया गरीबा खेत मजदूर किरतियां कामिया किसाना व्यापारियां जिहड़ी असीं गल उठाई अज तुसीं ओह मेरा मुल मोड़िया। मैं तुहाडा एक बार फिर दिल दीआं गहराइयां तो साढ़े कोल कोई साधन नहीं गए, आ साडा पंडाल ही देख लो गरीबां दा पंडाल आ, आ साडियां कुर्सियां देख लो, जे यही पंडाल रवायती ताकतवर परिवारां दा पंडाल हुंदा, बादल साहब दा, कैप्टन अमरिंदर सिंह दा, मोदी साहब दा, इत्थे एयर कंडीशन लगे होने सी पिछे, इत्थे कुर्सियां राजे महाराजां वालियां लगियां होणियां सीगियां। परंतु तुसीं इन्नी कड़क की गर्मी दे विच सारियां गल्लां नूं परे रख के साडे कोल तां पानी का बंदोबस्त नहीं होया, साडे कोल कोई लंगर की गल नहीं हुई, तुसीं आप मुहारे अपनियां बसां गड्डियां मोटरां ट्रालियां स्कूटर मोटरसाइकिल लैके तुसीं आए हो। तुहाडे इस अज दे इकट्ठ ने सुखपाल सिंह खेरा ते मेरे सत्कारयोग एमएलए नूं ते साडी पार्टी दे लोगां नूं अज अपने काम करन दे तरीकेकार दे विच बहुत वड्डी शक्ति दित्ती आ। और मैं दिल्ली वालियां नूं सुनेहा देना चाहुंदा कि जे इस तों बाद साडा जिहड़ा काम करन दा अंदाज ते साडे काम करन दी स्पीड अगे नालों भी वधावांगे घटावां नहीं गे। गल जिहड़ी शुरू होई चाहे शायद 26 जुलाई नूं साडे आगुआं ने दिल्ली तों बैठ के एक बटन दबा के पंजाबियां दे जज्बातां नूं रौंद दित्ता, गल उत्थों शुरू होई, चिंगराड़ी उत्थों लगी आ मैनूं जदों लीडर ऑफ ओपोजिशन दे अहुदे तों हटाया गया, गल उत्थों शुरू होई सीगी। और अज मेरे माणयोग एमएलए साहब ने नाजर सिंह उन्हां ने तो दूजिया ने यह कहा वा कि उन्होंने अपना फैसला दिल्ली वालों ये वापस लेना पवेगा, और शायद मता भी मैं ये मने नहीं, ये मता भी एक लेके आ रहे ने कि असी उस फैसले के उत्ते नजरसानी की जाए। परंतु भराओ मैं तुहानू यकीन दवाना चाहना LOP अहुदे पिछे रह गए ने हुण बिल्कुल पंजाब दे ऐसा दे अहुदे इस तरह के अहुदे लीडर ऑफ ओपोजिशन के अहुदे पंजाब के लोगों लई पंजाब के पखदे मसलियां लई मैं 100 अहुदा कुर्बान करने को तैयार है, बहुत 100 अहुदा कुर्बान करने को तैयार है।
मेरा मकसद अपने सूबे के लोगों की गल, मैं थोड़ी जी गल अपनी पार्टी की और फिर मैं अपने पंजाब की गल करना चाहना। ये जो कुछ घटनाक्रम वापरिया, मैं सिर्फ दिल्ली च बैठे उन्होंने लोगों को कहना चाहना कि आम आदमी पार्टी सबकी पार्टी है। गुजरात, गोवा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, पंजाबियों ने इस अपने मेहनत की कमाई के नाल सिंजिया, नौकरियां छड़तिया, घर छड़ दिते, विदेशों च बैठे साढ़े सत्कारयोग NRI ने बेतहाशा आर्थिक मदद की, उतो जहाजा के जहाज भर के पंजाब में आन के आम आदमी पार्टी की मदद की। इसलिए मैं बड़ा दुख होया जो दिल्ली के आगू कहते हैं कि पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की वॉलंटियर कन्वेंशन गैर जमहूरिया पार्टी विरोधी है। मैं तुहानू पुछना चाहना प्रभो कि पंजाब के लोग अपनी तकदीर का फैसला करने लिए पंजाब की धरती से इकट्ठे नहीं हो सकते। एक बार शोर का जवाब दो कि असी पंजाब की भविख के तकदीर का फैसला करने लिए पंजाब की यह जी धरती जिथे साडे गुरु साहबान का साहबजाद का खून डुलिया वा, असी इतने इकट्ठा होके कोई फैसला नहीं ले सकते। कि आप फैसला ले सकते हैं, यह फैसला लैन लिए इकट्ठे हुए और जो कुछ अन्याय इतों जिक्र किया गया, लोगों ने कसर कोई नहीं छी। मैं दुखना कहना पैदा कि अज तक 2017 दोणा की हार अज तक उसके उत्ते कोई नजरसानी नहीं की गई। पर्दा पा दो, पर्दा पा दो, पर्दा पा दो। खैरा बोलता बागी, संधु बोलता बागी, राजर सिंह बोलता बागी, पंजाब के लोगों की जान लग गई यार। 100 सीट थोड़े उत्तर जो है प्लीज, 100 सीट आनी आनी केवल 20 सीटा से पार्टी सिमट गई। तुहानू की लगता कि जे पंजाब के मुतलक पंजाब के फैसले पहले ही 2017 तो पंजाबियों लैण का अधिकार होता, मैं तुहानू दावे ना कह सकता कि अज पंजाब के विच आम आदमी पार्टी की सरकार होनी सी। पाओ इन्हां दी नलायक नीतियां दे करके दो सूबेदार आ गए इत्थे, वो सूबेदार ने आण के पैसा पहला और हर किस्म का शोषण किया। उन्होंने सूबेदार ने आण के पंजाब के बंदे पिछे करता, उन्होंने सूबेदार ने पंजाब के विच असेंबली दी टिकटा बेच दिया, उन्होंने सूबेदार ने पंजाब का भविख सिर्फ अपने हैंकर की खातर पंजाब का भविख उन्होंने दा ते लाता भाओ। और अज भी कोई सबक नहीं सीख्या, अज भी कोई सबक नहीं सीख्या। वो जो दो सूबेदार से मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं किसी का भी, उन्होंने सूबेदार का अज भी पर्दे पिछे दिल्ली बैठ के कुल टोटल पंजाब के जेडे अज फैसले आ रहे हैं वह दोनों ही सूबेदार उतो बह के दिल्ली करी जाते, हले भी उन्होंने कोई सबक नहीं सीख्या भराओ। और इतने बस नहीं, सुचा सिंह छोटेपुर चलवार, गुरप्रीत सिंह कुगी चलवार, डॉक्टर गांधी चलवार, हरिंदर सिंह खालसा चलवार, जोगेंद्र यादव चलवार, प्रशांत भूषण चलवार, किन्ने लोगों कटिया प्रो। और जिस ढंग के नाल गल सवाल खेरे का नहीं गा प्रो, सवाल यह है कि लीडर ऑफ ओपोजिशन के अहदे की मान के मर्यादा छिके तो टंगया इन्होंने बटन दबा के MLA बगैर पूछे व्हाट्सएप के उत्ते इन्होंने चिट्ठी भेज के कहता कि दस्तखत करके सानू इतने भेज दो। गैरतमंद MLA ने दस्तखत नहीं किए, अज साडे नाल खड़े ने, लेकिन कुछ साडे विचों डर जाते ने लोग। इसे डर ने अपनी 2017 च मां हार करवाई, तो जे असी डरते रहेंगे तो फिर दोबारा दोबारा असी नुकसान उठाते रहेंगे। इसलिए मैं तुहानू कहन आया अज इस पंडाल चो इस इकट्ठ चो एक बार फिर आप दोबारा उस जज्बे नाल इकट्ठे हुए हैं, जिस जज्बे दे नाल लहर उठी सी, जिस जज्बे दे नाल गल उठी सी एक तीसरे बदल दी पंजाब दे विच।
क्योंकि पंजाब के लोग बहुत बुरी तरह कुटे जा रहे ने ते लुटे जा रहे ने। पिछले दो दहाकों तो तीन दहाकों तो केवल दो टब्बर का पार्टियां भी पिछे ने उन्होंने दो टब्बर का इस साढ़े सूबे के उत्ते राज तुरिया चलिया आता वा और तीन दहाकों के इस सूबे अज 2.5 लाख करोड़ के कर्जे। अज साडा सूबा किसान खेतों खेत मजदूरों की आत्महत्या हो रही है। अज साडे बच्चे एडे मायूस हो गए वो अपनिया नसा दे विच टीके ला ला के अपन चाना गुवा रहे ने नशे के कोड ने पंजाब को अपनी गिरफ्त में लै लिया। भ्रिष्टाचार बेतहाशा हर दफ्तर में हर थाने तहसील थलियो लैके उपर तक लुट ते कसुट वालिया बन के लुट पांच बार मुख्यमंत्री लेकिन फिर भी पेट नहीं भरिया। दो बार मुख्यमंत्री लेकिन फिर भी उन्होंने लुटन के कुटन का तरीके कार नहीं जा रहा। कांग्रेस पार्टी ने अपने इलेक्शन तो पहला बहुत वड्डे वड्डे वादे किए क्योंकि 10 साल जो संताप हंडाया पंजाब के लोगों ने हर किस्म का माफिया पंजाब के लोगों को लुटिया कुटिया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के लोगों ने बहुत वड्डे वादे किए गुटका साफ फड़ के वादा किया भाओ लेकिन अज 16 महीनों की राज प्रबंध तो बाद अगर तुम अखा बंद करके एक बार अपनी अमरिंदर की रील चलाओ अपने सामने तो ए लगेगा जिमें सुखबीर सिंह बादल का राज अज भी पंजाब दे विच चल रहा वा। उही माफिया उही अफसर उही डीजीपी उही लुट दे कसुट उही सब कार्यशैली जे कुछ बदलिया पंजाब दे विच ते केवल कुर्सियां बदलिया ने झंडिया का रंग बदलिया है पगां दे रंग बदले हैं कार्यशैली उही है भाओ जो पंजाब नूं अरसे तो तुरी आउंदी है। इन्हां घटनावां नूं देख के पंजाब के लोग बहुत देर तो इन्हां लोगों तो निजात पाना चाहते ने। एक बार लोगों ने 1999 दे विच फैसला किया सरदार सिमरजीत सिंह मान नूं वागडोर देने की गल की लेकिन किसी कारना करके वह संभाल ना सके। एक बार फिर उभार उठा 2007 दे विच लोगों ने मनप्रीत बादल का साथ दिता लेकिन कोई गल बन ना सकी। एक बार फिर 2016 च आम आदमी पार्टी ने बहुत वड्डिया गल्लां कीतियां स्वराज की गल की पारदर्शिता अकाउंटेबिलिटी की गल की रख इस देश की राजनीति को बंद कर तब्दील करने की गल की भ्रिष्टाचार को जड़ों खत्म करने की गल की परंतु उन्होंने नलेकी दे करके वो सुपना भी चकना चूर हो गया। पर पहली बार लोगों एक आस की किरण बची जब आप सारे विरोधी धिर आ बैठ गए असी साडे विच जिन्ना जिनी जान सी जो कुछ मेरे कोल सी साडे एमएलए कोल असी पंजाब दे हितां दी खातर अपना काम कार करके दिखाता और जिहड़ा तुसी अज इकट्ठ लेके आए हो मैं दावे ना कह सकदा इस इकट्ठ विच और दूसरियां पार्टियां दे लोग आए ने। मेरा तुहानू खुला सदा है कि आओ आपा अपने पंजाब नूं एक बार फिर चारा चोई करके तीसरा बदल पैदा करके दिए पंजाब दे विच इस मकसद लिया जमा करते हुए तुसी सानू अधिकार दोगे असी लाइक माइंडेड बंदियां नाल असी लाइक माइंडेड पार्टियां दे नाल असी एक गठजोड़ की शक्ल विच पंजाब नूं एक बहुत साफ सुथरा तीसरा बदल देने की गल करांगे। इस मकसद नाल अज तुसी इत्थे आए हो पार्टी ओहदे ये बहुत छोटी गल है भाओ ये गल मैं तुहानूं पहलां कहा ये भावा हुण केजरीवाल जी मैनूं प्लेट च रख के देण विरोधी धिर दा अहुदा मैं नहीं हो लैणा भाओ ये अहुदा मैं तुहाडे नाल मैं तुहाडे वास्ते लड़ना।
मैं पंजाब नहीं लड़ना उस तरजीह देना वा। आ जिहड़े अखौती अकाली आ किन्ने साल हो गए सानू सुणदिआं नूं चंडीगढ़ पंजाब नूं लैके देना पंजाबी बोलदे इलाके लैके देना पंजाबी जुबान की गल करनी सिखां दे कतलेआम की गल करनी दरबार साहब के हमले की गल करनी पांच वार इस सूबे के लोगों ने इन्हों इन गलों के उत्ते मौका दिता कि तुसीं असीं तुहाडे ते भरोसा करदे हां तुसीं पंजाब के इन मुद्दों नूं उठाओ। परंतु उन्होंने पंजाब नूं की उठाना सी उन्होंने अपने ढिड भरने शुरू करते होटल बसा जायदादा हजारा करोड़ों दी प्रॉब्लम। और अज मैं तुहानूं कहना चाहुंदा कि अज पंजाब दे विच जिहड़ा माहौल है मिली भुगत की राजनीति चल रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सरदार प्रकाश सिंह बादल ने टकरा ने आपस में संधि कर ली है कांग्रेस के एमएलए असेंबली विच रौला पापा के थक गए कि नशा की जांच होनी चाहिए है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक गल नहीं मनी कांग्रेस के मंत्री रौला पापा के थक गए कि रेत माफिया के उत्ते कंट्रोल होना चाहिए इंक्वायरी होनी चाहिए बंदे फड़ने चाहिए कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने एक नहीं मनी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसे गल के उत्ते पिछले 10 साल होए वे भ्रिष्टाचार का कोई हिसाब लैंड कर हिसाब किताब लैंड का कोई उपराला नहीं किया क्योंकि वह आपस में रले हुए ने। आ जिहड़ा हुण केस कैप्टन अमरिंदर सिंह का लुधियाना सिटी सेंटर 1100 करोड़ रुपए का कपड़ा 10,000 कागज 500 तरीका सैकड़े करोड़ा पंजाब सरकार का लग गया भ्रिष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़न आगे सार सारी मशीन से दबाव पा के अफसर से दबाव पा के उन्होंने मुकरा के अपने आप को अदालत विचों बरी करा लिया। एन यही सरदार प्रकाश सिंह बादल वेले जिहड़ा मुकदमा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बनाया सी धन दौलत का 2008 विच अफसर डरा के गवाहां नूं मुकरा के उन्होंने अपने आप को अदालत चो बरी करा लिया। या तो फिर जे बरी होंगे तो फिर अफसर के एक्शन होना चाहिए सी जिन्हां ने इनक्वायरी की है कोई एक्शन नहीं होया उल्टा जेसू बादल के परिवार के खिलाफ इनक्वायरी की सुरेंद्र पाल सिंह विर उन्होंने अकाली दल ने IPS का प्रमोशन प्रमोशन दवाई उस दो एक्सटेंशन दित्तियां किदां दा राज प्रबंध है प्रभु पंजाब दे विच कोई हिसाब किताब नहीं सूबा 2.5 लाख करोड़ का कर्ज ही इतों के ताकतवर लोग हजारा करोड़ों के मालिक लोग मर रहे हैं 2-2 लाख के मोहताज होकर किसान के खेत मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं पंजाब के आप टेलों के पानी नहीं मिल रहा कनाला खाली पड़िया ने कोई एक्शन नहीं किसी के खिलाफ। और इतों संधु साहब ने गल किया प्रभु मैं तुम्हें यकीन दवाना चाहता जो तुम सानू भरोसा दोगे असी पंजाब के वड्डे पक्ष के मसलों के उत्ते पंजाब के लिए इंसाफ लैके देंगे। हुण मैं सारे मसले नहीं गिना सकता लेकिन उन्हां विचों चंद मसले जरूर गिना सकता। सब तो पहला मसला अज साडी किसान ते खेत मजदूरों की आत्महत्या का कारण खेती च निकार है 1 लाख करोड़ का कर्जा किसानों से वो मर रहे ने लेकिन इन्हां रवायती लीडरां ने इन्हां पार्टियां ने जिहड़ा साडे कोल इक्को ही कुदरती स्रोत सी पानी जिहड़ा कि इंटरनेशनल रिपेरियन लॉज के मुताबिक केवल पंजाब की जायदाद सी उहदे ते उहदा हक सी साडे आगुआं ने अज तो कई दहाके पहला राजस्थान हरियाणा ते दिल्ली नूं पानी दे दिता। मैं तुहानूं मिसाल दे रहा वा अगर तुसीं साडे ते भरोसा रख के साडा साथ दिओगे मैं तुहानूं वादा करदा कि पंजाब दा इन्हां सूबिआं नूं जिहड़ा गया पानी जिस दा मता 16 नवंबर 2016 नूं पंजाब दी विधानसभा च यूनैनिमसली सर्वसम्मति नाल अकालियां ते कांग्रेस ने पास करके उहदे च कहा गया सीगा कि पंजाब अपने पानियां दी रॉयल्टी
अपने पानियां का मुल राजस्थान हरियाणा ते दिल्ली को वसूलूंगा। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार बनाने तो बाद उस पते को ठंडे बस्ते च पाता, क्योंकि वोटा पै गई सी, असी बहुत जोर लाया, लेकिन किसी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक शब्द नहीं बोले। मैं तुहानू यकीन दवाना चाहना भाओ, अगर तुम साडा साथ दोगे यूनिवर्सिटियां की रिसर्च के मुताबिक, पानी के महारा की कैलकुलेशन के मुताबिक, पंजाब का दरियाई पानी कले राजस्थान में 16 लाख करोड़ रुपए का जा चुका भाओ, 16 लाख करोड़ रुपए का पानी जा चुका राजस्थान। असी 14 लाख ट्यूबवैल ला के जमीन चो पानी कटन लग गए, सारा पानी 100 फुट 200 फुट 400 फुट 500 फुट थले चले गया। नासा दिया अमेरिका दिया सैटेलाइट्स जड़िया उपर अंतरिक्ष में चले, वो दस रही कि अगर इसे स्पीड का पंजाब का पानी तुम वरतोगे, वो दिन दूर रहेगा जितन पंजाब राजस्थान वांगू बंजर धरती बन जाएगी। इसलिए मेरा तुहाडे नाल वादा भाओ, तुसी साडे ते करो भरोसा, आपां तीसरे बदल की सरकार बना के 16 लाख करोड़ रुपए का बिल भेजांगे राजस्थान नूं, और अपने पानी का मुल वसूलांगे। और अज तो बाद जिहड़ा पानी जाएगा, अज तो बाद जिहड़ा पानी जाएगा, उस पानी की रॉयल्टी चाहे वह 2000 करोड़ का साल का, चाहे वह 5000 करोड़ का साल का, वो इन्हां सूबिआं नूं रॉयल्टी देनी पवेगी। पंजाब नूं जो पत्थर आता राजस्थान तो वह रॉयल्टी लेंदे ने, जो टीक लकड़ आती है मध्य प्रदेश तो वह फ्री नहीं देंदे, कोला आता छत्तीसगढ़ बिहार तो वह अपना मुल लेंदे ने। कल्ला पंजाब साडी रवायती लीडरशिप ने तबाह करता, इन्होंने अपनी जबान नहीं खोली, डरदिया ने दिल्ली तो साडे पंजाब नूं बंजर धरती बनाने वाले पास चले गए। मिसाल दे रहा तुहानूं। दूसरा, पिछली सरकार वेले गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई है, एक जगह नहीं हुई, बुरज जवाहर सिंह वाले तो शुरू होके पंजाब के वख-वख जिलों में कई थावां दे उत्ते गुरु ग्रंथ साहब जी का अपमान होना शुरू हो गया। लोगों ने जो विरोध किया, साढ़े दो सिख नौजवानों बहबल कला गोली मार के उन्होंने शहीद कर दिते गए। अकालिया ने सब कुछ पता सीगा कौन मारन वाले ने, इसकी बंदूक चो गोली निकली, साजिश की सी पिछे, सारी गल ते पर्दा पाता, क्योंकि उन्होंने किसी एक डेरे तो वोटा की उम्मीद सी। पाओ अमरिंदर सिंह निवाली आई, कमीशन बनाता, कमीशन की रिपोर्ट आई नूं लगभग एक महीना हो गया, कोई एक्शन नहीं लिया। आज जो एक्शन लिया कि जी जांच असीं सीबीआई नूं देती, एक पासे कैप्टन साहब कहिंदे ने कि सीबीआई नूं कोई केस नहीं देना चाहिए, जो बिक्रम मजीठिया के केस की सीबीआई जांच की गल चलती सी, कि सीबीआई जिहड़ी आ उह बहुत लंबा ले जांदी आ अपना इन्वेस्टिगेशन जांच, सीबीआई नूं जांच नहीं कोई देनी चाहिए। पर फिर दोबारा उन्हां तों डरदिआं उस डेरे की गल जां अंदरों जिहड़ी साजिश आ उह तों डरदिआं उन्होंने बहबल कला गोली कांड दी, जिहड़ी कि जज साहब ने कले कले अफसर का नाम लेता, सारिआं नूं दोषी करार देता, उन्हां नूं उन्हां दी इनकुआरी सीबीआई नूं दित्ती। जानी के कैप्टन अमरिंदर सिंह ते प्रकाश सिंह बादल गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी ते बहबल कला कांड च मारे गए थे, दो सिख नौजवानों के उत्ते कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, अफसरां बचारे ने, वर्दीधारियों बचारे ने, ताकतवर शासक दलों बचारे ने, ताकतवर डेरेदारों बचारे ने। इहदा मतलब पंजाब दे विच जे गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हो सकता, जे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हो सकती है, ते करन वाले बे गुनाहगार दिन दिहाड़े चांगड़ा मार के पंजाब फिरते ने, फिर पंजाब का भाव कोई कुछ नहीं हो सकता। अगर तुसी साडे ते भरोसा करोगे, बरगाड़ी कांड की टोटल कुल अखीर तक जांच, अते दो सिख नौजवानों के कतल वास्ते वड्डे तो वड्डे आदमी, भावें डीजीपी होवे, भावें उस वक्त का होम मिनिस्टर होवे,
उन्होंने FIR दर्ज करके उन्होंने फिर के अंदर देंगे ताकि दोबारा साढ़े गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी बारे कोई सोच ना सके। नशे की गल हो रही है, कैप्टन साहब कहते क्योंकि हाईकोर्ट के केस चल रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। इंद्रजीत थानेदार कि सारे पंजाब के एडे वे नशे के कारोबार का सरगना हो सकता? जो जांच हुई, जांच हुई अमरिंदर सिंह की SDF ने, हरप्रीत सिंह सिद्धू ने जरा कैप्टन साहब ने लाया सी, उन्होंने उंगल उठाती। राजजीत सिंह मोगा जरा तरन तारण से SSP पहला जो अगे जांच बुलाई, SIT उन्होंने अगे दाता इल्जाम कि DGP पंजाब तक गल जाती है, परंतु कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी भी जांच कराने को तैयार नहीं गए। जो अकालिया का रवैया से अफसरशाही को बचाने का उही सबूत कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार दे रहे हैं। अगर वाहेगुरु की कृपा, ईश्वर अल्लाह की कृपा नाल तुसी साडे ते भरोसा करोगे, असी असल जेडे ताकतवर नशे के वड्डे आदमी ने उन्होंने लोगों की कचहरी च खड़ा करके उन्होंने नंगा भी करांगे ते सजा भी देंगे। साडा तुहाडे नाल रहिंदा भ्रिष्टाचार तुहाडा की ख्याल है, भ्रिष्टाचार यूरोप च नहीं हो जाता? कनेडा, अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, कनेडा, अमरीका, इतने क्यों नहीं भ्रिष्टाचार? उन्होंने मुल्कों कोई मशीन चला ने, कोई उपरों आण के चलाते ने? तो वर्गे मेरे वर्गे इंसान उन्होंने मुल्कों आपां नूं लोग चलाते ने। सिर्फ अंतर इन्ना कि ये लोग चलाने वाले ईमानदार ने, अपने देशों के अपने सूबों वो अपना घर समझते ने और ऐसा सुनिया देंगे ने कि खबरदार जे इतने किसी ने भ्रिष्टाचार किया। कोई भ्रिष्टाचार नहीं होंगे। जे पंजाब का नंबर एक आदमी इतने पंजाब के फैसला कर ले कि ना मैं भ्रिष्टाचार करना ते ना मैं भ्रिष्टाचार होने देना, मैं तुम दावे ना कह सकता कोई लुक छिप के तो पैसे ले सकता, पर 60-70% भ्रिष्टाचार केवल इस धड़लेदार सुनेहे के नाल पंजाब के बंद किया जा सकता। पर कोई करने को तैयार नहीं गा। अज बदलाखोरी अकाली परचे करके गए कि हुण कैप्टन साहब की पुलिस करन लगी है। आज जो कुछ मेरे ना घटनाक्रम वापरा हो ये क्यों वापर रहा? ताकतवर बंदे वो चाहते कि साडे खिलाफ हुण कोई भी ना बोले। मैं लगभग पिछले 20 साल तो इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ जदोजहद कर रहा। मैं 2007 में MLA सी, अकालिया की करतूत सुन लो, सिर्फ मैं डराने वास्ते, मेरी बांह मिलाने वास्ते उन्होंने मेरे से 6 झूठे मुकदमे दर्ज किए पहुंचे। और शर्म उस वेले आई इन्होंने जब सुभानपुर पुलिस स्टेशन च FIR नंबर 154/2007 मेरे से की इल्जाम लाया लोगों, केंद्र सुखपाल सिंह खेरा MLA प्रत 6000 की ट्रक की तरपाल चोरी करके बच गया। पाओ 6 मुकदमे उस कुदरती की कृपा न 6 के 6 हाईकोर्ट ने उन्होंने भुहा के मारिया, पर कैप्टन साहब ने उस तो कोई गल नहीं सीखी। जो मैं लीडर ऑफ ओपोजिशन बन गया, जो मैं उन्होंने अखा चखा पा के विरोध करन लग गया, पंजाब की गल्ला करन लग गया, दोनों टब्बरों नंगे करन लग गया, इन्होंने एक 2015 का पुराना एक केस कढ़ के ड्रग्स का जिदा संधु साहब ने कहा NDPS का, मेरे खिलाफ उस केस में दोबारा पुलिस वाले को बुला के 3 साल बाद रिकॉल करके बयान लेके मेरे खिलाफ वो मुकदमा शुरू करता। आज मेरा वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट लड़ रहा। बदलाखोरी की राजनीति सिर्फ मेरा मुंह बंद कराने वास्ते। जे लीडर ऑफ ओपोजिशन जिदा पहला काम करते सुनिया ना, वो चंगी जरा पिछली वारी लीडर ऑफ ओपोजिशन से उन्होंने जदों पंजाब की विधानसभा च अकालिया ने पूछा कि अपनी सरकार का कोई काम गणा दे, एक इधर उधर सोच के कहना असं सड़कों के पच लवाए। ये चाहते ने चन्नी वर्गे जेड़ा इन्हों की जबान बोलन, जेड़ा इन्हों के मोड़े ना बोलन, इन्हों की मुखालफत ना करन। मेरे
लीडर ऑफ ओपोजिशन का इन्ना अहुदा रड़किया इन्हां नूं कि उस केस में जिहड़े गुनाहगारां नूं 20 साल कैद की फाजिलका की अदालत ने मैनू उहदे च तलब करा लिया पुलिस वालों को बयान दवा के सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्ना जाती दुश्मनी जिहड़ा सब तो वड्डा वकील है बीजेपी का जिहड़ा हुण पेश होया कर्नाटका की सरकार विच जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजा रात को जगाया जाके मुगल रोहतगी कैप्टन साहब ने उसको फोन करके कहा कि रोहतगी कुछ भी हो जाए सुखपाल सिंह खेरा अंदर करवाना तुम मनना नहीं मेरी गल तुम कहना कि तुम भोले लोग हो तुम कहना कि यह गलत गल है हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के मुगल रोहतगी ने मेरे को कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक पेशी का 25 लाख रुपया लिया भरा 25 लाख रुपया लिया 150 सरकारी वकील पासे सिर्फ सुखपाल सिंह खेरा सबक सिखाने के नजरिए परंतु मैं कैप्टन साहब अदे अकाली दल के लोगों को कहना चाहना अकाली दल बहुत अच्छी पार्टी है थले बहुत अच्छे लोग ने कुर्बानियां देने वाले मोर्चे कट्टण वाले बाबा खड़क सिंह संत फतेह सिंह संत चंदन सिंह मास्टर तारा सिंह संत हरचंद सिंह लौंगोवाल जथेदार गुरचरण सिंह तौड़ा तक भी ठीक से 1986 जो पुलिस भेजी गई अकाली दल सरकार वालों बरनाला साहब की सरकार वालों पहली बार बादल नूं उस प्रधान चुनिया 27 बाकी MLA ने इस विच मेरे पिता जी मरहूम सरदार सुखजिंदर सिंह ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी वजारतां नूं छड के ठुड मार के दरबार साहब की अहमियत जो उन्हां दा जो इस वक्त अपने एक सांझी वालदा दा प्रतीक है इस्तीफा देता जिदण दे इह प्रधान बन गए अकाली दल दे इन्होंने इस पार्टी को अपनी टब्बर की पार्टी बनाता पा अज उ किसे गैरतमंद अकाली की कोई मुकत नहीं गई सिर्फ पैसे बनाने का धंधा करन दा और सारे व्यापार करन दा एक अड्डा बन गया अज अकाली दल बादल और जिदा मैं पहला क्या अज इन्हों के मूहों कभी सुनिया तुसी सिखा ने कतलेआम की गल करते हैं हजारा मारे गए 34 साल कोई इंसाफ नहीं भारतीय जनता पार्टी के नाल अज भी इन्हों की परिवार की मैंबर वजीर है सुखबीर सिंह बादल वाजपेयी ना वजीर सी 84 के कतलेआम तो बाद कई बार सरकार केंद्र से पंजाब कट्ठिया बनिया कोई इंसाफ नहीं कोई चंडीगढ़ पंजाब का नहीं कोई पानिया की गल नहीं ये सारिया गल्लां भाओ मैं तुहानूं कहना चाहना क्या जिहड़े साडे बंदे बैठे ने ये जो तुसी बैठे हो तुहाडे नाल मेरा प्रण है कि इन्हां मुद्दियां नूं इन्हां लड़ाइयां नूं असीं पूरा डट के लड़ांगे डट के लड़ांगे साडा इत्थों तुहाडे स्टेज दे उत्तों प्रण कर अज NRIs जिन्होंने साडा आ जिहड़ा इकट्ठ जिथे तुसीं आप मुहारे बहुत तकड़ी तादाद में आए हो उथे NRIs ने कर कर सुनेहा ला रातां नूं जाग के गड्डियां वोटरां दे पैसे भेज के एड्डी वड्डी तादाद दे विच अज तुहानूं भेजा मैं NRIs नूं कहना चाहुंदा कि साडे ते भरोसा ते यकीन बनाई रखना वह दिन दूर नहीं गा जिदन पंजाब दे विच तीसरी पार्टी तीसरे बदल की सरकार आप अवश्य लावे भाओ मायूस होकर नहीं जाना गल्लां बहुत ने परंतु समय की घाट होने करके मैं तुहानूं यह कहना चाहना कि जेडे इस मौके की जेडे जिस करके सारा विवाद उठा सरदार कंवर सिंह संधू और साढ़े सारे सत्ते MLA असी थोड़े जे मते पास कराने तुहाडी प्रवानगी लैनी क्योंकि वह तो छड़ गए ने स्वराज का आइडिया जिहड़े कहिंदे सीगे असी हर गल मुहल्लिया चों लोगों नूं पुछ के करांगे वह तो छड़ गए ने सारा वो अपना एजेंडा ते आइडिया परंतु असी लोकतंत्र विच विश्वास करन वाले अइयों असी उन्होंने सद्या असी कहा सीगा डायलॉग नहीं तोड़ सां करो गल परंतु उत्थे कोई बुकत नहीं है भाओ वो साडा निरादर करदे ने वो सानू चेटा करते ने सारे MLA के सामने मनीष कहता
खैरा तो कभी अकाली दल बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ कभी बोला ही नहीं है। मैं सोच रहा हूं मैं बोलिया कि नहीं बोलिया, उन्होंने कुछ पता ही नहीं का जेडे इतने कोई सूबेदार जे बनाए हैं बनौटी वो उन्होंने जाके रिपोर्टा दी जाते हैं, पता सब कुछ है उन्होंने, वैसे माफ करना पता सब कुछ है, पर बनौटी सूबेदारा की रिपोर्टा तस्दीक करके इन्हों आधार बना के साडे खिलाफ एक्शन लैन जा देंगे। आ मेरे ते नशे का केस बनिया, हले अकालिया बीजेपी कांग्रेस ने अपनी गल कहनी सी, साडे एमएलए इतने तुहाडे लागे लागे ते कहिंदे जी खैरे नूं इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के तौर पर, उन्होंने खून मिल गया। सिर्फ अदालत ने समन किया बादल के खिलाफ 2007 में चार्जशीट जेल जा चुके सी, मुख्यमंत्री की सौं चुकी। अमरिंदर सिंह के दो मुकदमे लुधियाना सिटी सेंटर अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट चार्जशीट हो चुके थे, मुख्यमंत्री बने ने की चिदम्बरम की वीरभद्र की जेटली साहब सारे अदालतों तो समन ने, लेकिन मेरी पार्टी वाले ने सिर्फ मेरे नाल किड़ कटन वास्ते एमएलए ने उन्होंने कहा जो अभी मौका आ गया काबू आ गया खेरा इस्तीफा मंग लिया, फिर रौला पिया वीवी दिस रेफरेंडम से। मैं तो पंजाब के नाल विचकरे गणाए सारे की दास्तान है, साडा पंजाबी सूबा लैण वास्ते जबान के आधार से सानू मोर्चा लाना पिया, कुर्बानियां देनिया पईआं ते मिलिया लंगड़ा लूबा लूला सूबा। उस तो बाद साडे पानी खोले दरियावां दे दूजे सूबे ने ले ले विचकरा, साडे दरबार साहब ते हमला करता बहुत दुखदाई वड्डा ब्लंडर, हजारा सिखां नू दिल्ली समेत सारे शहरां दे विच पैर पा के गलां विच साड़ दिता, भैणां दा बलात्कार किया, सिख कतलेआम किया, वितकरा साडे नाल होया। इहदा मतलब क्या मैं अपने मैं वितकरा भी नहीं करा सकता, साडी पार्टी वाले ने फिर छाला मारिया आ बनौटी जे बंदिया ने कहिंदे खैरे दे खिलाफ एक्शन होगा, फिर बरूद दिता अकालिया ते कांग्रसियां नू, इहदा मतलब मेरे नाल साजिश कर रहे सी ना, इहदा मतलब वो नहीं चाहते सी कि खैरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनिया रहे। तुसीं कदी सारियां पार्टियां नू एक सुर विच बोलते देखा किसे मुद्दे ते कांग्रसी अकाली इकट्ठे देखे, लेकिन खैरे के खिलाफ कांग्रेस अकाली बीजेपी सारे सूबेदार एक ही आवाज में बोलते हाय खैरा ला दो खैरा ला दो खैरा पाओ, आ इन्हों का एजेंडा सीधा। एक इन्होंने न्याणा जहा रखा 22-23 साल का पार्टी में जोड़ा पर्दे के पिछे काम करता, उन्हें एक ऑडियो स्ट्रिंग फड़िया गया वो कॉन्वर्सेशन गलबात वो कहता यार खैरे का कद बहुत वड्डा हो गया कट दो, एक 22 साल का बच्चा कट दो इसके कद को छोटा करना वा। और जे एमएलए बैठे जेडे अज नहीं आए उन्होंने सारे गाल कटी पाओ गंदी गाल। मैं कह नहीं सकता क्योंकि साड़िया मावा भैन धीं बैठिया ने गाल कटी एमएलए कोई एक्शन नहीं, उल्टा खैरे के खिलाफ शिकंजा हूं आया और उदो सारी पार्टी वाले ने मेरे खिलाफ फिर हमला, जिन्हों लोगों ने मेरे खिलाफ इस्तीफा मंगे सी जो उन्होंने वारी आई गुंडा टैक्स के माइनिंग माफिया के नाल संबंधा की, मैं सब तो मोहरे जाके उन्होंने लड़ाई लड़ी पाओ सब तो जाके मोहरे मैं उन्होंने लड़ाई लड़ी है, लेकिन आ खमियाजा मैंने उन्होंने लोगों ने इतने दिता। इसलिए भराओ मैं कहना चाहना कि जे तो आप अधीन रहना फिर पंजाब की गल नहीं को कर सकते, फिर मीटिंग भी नहीं कर सकते। इसलिए पहले